खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ट्रेन पकड़नी हो तो लोग स्टेशन तक कार से जाते हैं, वहां से प्लेटफॉर्म तक सभी को चल के या फिर एस्केलेटर से जाना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह का अंदाज जरा अलग है। लखनऊ में उनकी कार सीधे स्टेशन के अंदर जाकर रुकी। रेलवे के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर धर्मपाल सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र का गुणगान करते हुए यदा कदा मंत्री और विधायकों को जनता का सेवक बता देना और बात है, लेकिन जनता जानती है कि अपने देश में सत्ता का मूल चरित्र इस सफेद कार की तरह है, जो नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर पहुंच गई। न किसी ने रोका टोका, न किसी ने सवाल किया, क्योंकि कार में यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह जो मौजूद थे, जिन्हें बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि स्टेशन आने वाले तमाम यात्रियों की तरह मंत्री जी की ये फॉर्च्यूनर कार दिव्यांगों के लिए बने इस रैंप के करीब आकर रुकती, फिर रैंप से होते हुए स्टेशन तक मंत्री जी पैदल जाते। लेकिन तब सत्ता की धमक कैसे साबित होती? असल में बारिश हो रही थी और मंत्री जी को लगा होगा कि रैंप पर चंद कदम चलते हुए उनके कपड़े गीले हो सकते हैं या जूतों पर कीचड़ लग सकती है, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय उसे रैंप पर चढ़ा दिया, या यूं कहें कि मंत्री जी ने कार चढ़वा दी और उसे स्टेशन के अंदर एस्केलेटर तक ले गए। जो मंत्री जी थे उनकी जो गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थी, तो वो यहाँ तक जाना चाह रहे थे इसी एस्केलेटर से। साफ तौर से ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पैदल ही लोग आते हैं, गाड़ियों की मनाही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का एरिया है, यानी रैंप के जरिए पहले प्लेटफॉर्म पर आए और फिर एस्केलेटर से चढ़कर सीधे ऊपर, और मंत्री जी की जो गाड़ी थी वो इसी रैंप के जरिए सीधा अंदर तक आती है और यहाँ पर खड़ी होती है, और उसके बाद मंत्री जी उतरते हैं और फिर इसी रैंप के जरिए ऊपर जाते हैं। यानी कि जो व्यवस्था आम आदमियों के लिए है वो मंत्री जी ने फॉलो नहीं किया। रेलवे के नियम के अनुसार कोई कार स्टेशन के अंदर नहीं जा सकती, पर मंत्री जी ने सोचा होगा कि कानून तो वो लोग ही बनाते हैं, अपनी चीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर ये तो बस रेलवे का नियम था, वो भी यूपी की राजधानी में। यहाँ तो नियमों को नतमस्तक होना ही पड़ता है। खबर के अनुसार जीआरपी इंस्पेक्टर ने मंत्री की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बने नए एस्केलेटर के पास जाने को कहा था, लेकिन मंत्री जी ने घूम कर जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कार रैंप पर चढ़ा दी गई। केस तो बनता है, पर केस तो दूर, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, वो तो कुछ यात्रियों ने वीडियो बना लिया, इसलिए बात सामने आ गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा कि अच्छा हुआ जो बुलडोजर से नहीं गए थे। ये दिखाता है कि ये सरकार का कंट्रोल ना तो हमारे वजीराला के हाथ में है, ना ही हमारे वजीर काबीना के हाथ में है। जो मंत्री अपना पशुधन मंत्रालय न चला पा रहे हो, गायों का जो पालन है उसमें भ्रष्टाचार सामने आया है, रोजाना गाय बगैर खाए पिए जो है उनकी मौतें हो रही हैं, तो ये सरकार बेलगाम है बिल्कुल सांड की तरह। और शायद मंत्री जी भी, उन्हें भी लगा कि शायद जो ये ट्रैफिक में नई भर्तियां हैं वो उसी स्टाइल में शायद वहां भी घुस जाएंगे। पशुपालन विभाग के मंत्री के बाद यूपी की मत्स्य विभाग के मंत्री की तस्वीर भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मंत्री संजय निषाद कुर्सी पर बैठे हैं और अपने पैर सामने मेज पर टिकाए हुए हैं। उनके पीछे एक शख्स खड़ा है, जबकि सामने जमीन पर बैठे दो लोग उनके पैर पकड़े हुए हैं। यूपी कांग्रेस ने इस तस्वीर पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ताओं से पांव दबवा कर फोटो शूट करा रहे हैं, उनकी आंखों का पानी सूख गया है। संजय निषाद की निषाद पार्टी यूपी में बीजेपी की सहयोगी है और इसी नाते वो योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं से पैर दबवाने की तस्वीर वायरल हुई तो एक बार फिर चर्चा में आ गए। मंत्री जी ने अपनी सफाई में कहा कि फोटो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो कार्यकर्ता हैं, पांव छूते हैं, पैर के पास बैठ जाते हैं, अब उसको दूसरे भाव में ले तो अलग मामला है। अगर उनके समाज में कोई नेता पैदा हुआ, हम उनके राजनीतिक गुरु हैं, अगर हमें गुरु मानते हैं तो क्या किसी समाज में गुरु पैदा होना क्या अन्याय है क्या? हम छोटी जात के गिने जाते थे, अगर निषाद राज गिने जा रहे हैं तो कोई अन्याय है क्या? हम कहते हैं इससे पहले राजनीतिक गुरु हुए कांशीराम,
उनके खिलाफ भी बहुत आरोप लगा। तो अगर मेरे समुदाय के लोगों ने हमें पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है, तो ऐसे में जो है उसके हिसाब से वो कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी छू लेते हैं, झुक जाते हैं मना करने के बाद भी। अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं ना। संजय निषाद के बयान का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने पैर दबवाकर जनता की ख्वाहिश पूरी की है, यानी जनता की सेवा की है। इसमें गलत क्या है? हालांकि ऐसी सेवाएं मंत्री जी पहले भी कर चुके हैं, कभी आरती उतरवाई थी तो कभी कीचड़ से बचने के लिए बोरे बिछवा चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में सियासी माहौल क्या है, मतदाताओं का क्या मिजाज है? अगर आज चुनाव हुए तो देश के लोग किस पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे और देश अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहता है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने 15 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2023 तक सभी 543 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया और जनता का मूड समझने की कोशिश की। इस सर्वे के मुताबिक आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 306 सीटें मिल सकती है, यानी कि एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिल सकता है, जबकि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को 193 और अन्य को 44 सीटें मिल सकती है। इसी तरह आज अगर चुनाव हुए तो एनडीए को 43% वोट मिल सकते हैं, इंडिया को 41% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है। 42% लोगों को उनका काम बहुत अच्छा लगता है, 21% को अच्छा, 13% को सामान्य, 12% को खराब और 10% को बहुत खराब लगता है। लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद करेंगे, ये सवाल भी सर्वे में पूछा गया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे नजर आए। 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 8% लोगों ने ही पसंद किया। अब तक देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन हैं? इस पर भी हमने देश की जनता की राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 43% लोगों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना। इंदिरा गांधी को 15%, अटल बिहारी वाजपेयी को 12%, मनमोहन सिंह को 11% और जवाहरलाल नेहरू को 6% लोगों ने सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना है। लोग देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, लोगों से इस पर भी हमने राय मांगी। 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना, जबकि 19% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहमति जताई। ममता बनर्जी को 9%, एमके स्टालिन को 6% और नवीन पटनायक को 3% लोगों ने अच्छा मुख्यमंत्री माना है।